महामंडलेश्वर राजश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग जांजगीर चांपा जिले के ग्राम धारा शिव में आयोजित भगवान शिव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की एवं उपस्थित श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति के साथ संस्कृत भाषा की भी रक्षा करनी चाहिए। जनगणना पत्रक लेकर अधिकारी हम सबके पास आएंगे, हमें सतर्क रहकर उसमें संस्कृत भाषा की जानकारी भी दर्ज करानी होगी, अन्यथा यह भाषा विलुप्त के कगार पर चली जाएगी। सन 2011 की जनगणना में पूरे भारतवर्ष में कुल 2000 लोगों ने ही जनगणना पत्रक में संस्कृत की जानकारी दर्ज कराई थी, जो चिंताजनक है। संस्कृत के श्लोक या मंत्र का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में निरंतर करते हैं। यदि हम ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं तो वह भी संस्कृत का ही वाक्य है। महाराज जी, यहाँ शिव मंदिर की स्थापना हुई है राठौर परिवार के द्वारा, इसके बारे में बताएंगे। हमारे जांजगीर से लगा हुआ ग्राम धारा शिव है, जहाँ राठौर परिवार द्वारा बहुत ही अच्छा शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ आज पूरे शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जिसे हमारे आचार्य पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगर से आकर के प्राण प्रतिष्ठा कार्य संपन्न कराए हैं। मैं राठौर परिवार को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जब असीम कृपा होती है और पूर्वजों को जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब कहीं जा कर के ऐसे उत्सव महोत्सव और ऐसे मंदिर निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि लोग अपने लिए तो बहुत मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन भगवान जो सबको देते हैं घर, उनके लिए कोई मंदिर बनाए से बहुत कम होते हैं। शिव परिवार, हमारे राठौर परिवार ने शिव परिवार के पूरा मंदिर बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। भगवान आशुतोष शिव शंकर जी का कृपा हम आप सबको और बनी रहे, इसी में कामना प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, बोलिए शंकर भगवान।